स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। आज फिर मैं आ गया हूँ एसपीडी साइंस लेके, जिसका ये चौथा पार्ट होगा। और एवरेज सभी वीडियो में मैं 50 से 60 प्रश्न कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आज मेरा टारगेट थोड़ा ज्यादा है, 70 या 80 प्रश्न जाएंगे इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न। अगर वो दोनों नहीं देखे होंगे तो देख लेना, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट है। जब इस्पात जैसी धातु छल को किसी प्रत्याशा सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो वो क्या बन जाएगा? वो प्लास्टिक बन जाएगा। इसको फिर से समझो कि जब किसी इस्पात जैसी धातु को उसकी प्रत्यास्था होता है कि जितना उसका घींच के जिसको लंबा कर सकते हो, तो प्रत्यास्था फैलाने की कैपेसिटी, उससे बढ़ाकर अगर उसको घींचा जाए तो वो क्या बन जाएगा? प्लास्टिक। नेक्स्ट है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? शून्य होता है। एक प्रश्न इसी से रिलेटेड आता है कि अगर कोई कार में सवार है, अगर बिजली गिरे तो उसको कार पे कहाँ रहना चाहिए? कार के सेंटर में चला जाएगा, पूरे बीच में, तो वहां पे क्या हो जाएगा? उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्या होता है? विद्युत आवेश शून्य होता है। ये इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। श्वेत प्रकाश को लाएंगे हम सफेद फिल्टर से होकर। यहाँ पे पीला, हरा, लाल कर दिया है, अगर आपको सात रंग भी दे दे यहाँ पे, तभी उसको हम कहाँ से ले जाएंगे? सफेद फिल्टर से, या नहीं तो स्पेक्ट्रम से या प्रिज्म से, जो भी आपके ऑप्शन में आए उस पर टिक लगाओ। या प्रश्न ऐसे भी आता है कि श्वेत प्रकाश को सात रंगों में विभाजित करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। वो हम किसके मदद से करते हैं? वो करते हैं हम प्रिज्म के मदद से, प्रिज्म या सफेद फिल्टर की मदद से। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित करता है? देखो, हमारे ब्रेन में, उसे बता चुका हूं पहले भी, हमारे ब्रेन का तीन पार्ट होता है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। हमारे शरीर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है? सेरिब्रम, फिर है थैलेमस, फिर है हाइपोथैलेमस। तो संदेश जो पाता है वो हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि को देता है, और फिर वो हमारे शरीर में संप्रेषित होता है। तो यही प्रश्न दिया गया है। तो कौन संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग टिक करना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मतलब होता है आपका एलपीजी। द्रवित पेट्रोल थोड़ा सुनने में और लग रहा होगा। एलपीजी जो घर में हम यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें किसकी प्रधानता होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। और एक से रिलेटेड प्रश्न, एलपीजी में जो गंध आता है, या गंध के लिए हम उसमें से कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? वो होता है मिथाइल मर्केप्टाइन। आप इथाइल भूल जाओ, मर्केप्टाइन बस याद रखो, काम चल जाएगा। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगे को वो परिवर्तित करता है। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन पद का क्या तात्पर्य होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन। देखो, अपवर्तन और परावर्तन में डिफरेंस है। जैसे कि मान लो ये क्या है? ग्लास, शीशा है। ये सब लेपित किया हुआ है, इनसे आर पार नहीं जाएगा। ये लाइट आया, ऐसे चला गया, ये क्या हुआ? परावर्तन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन। अब एक इमेजिन करो कि जैसे एक बाल्टी है, इसमें यहां तक पानी भरा, राइट? इसमें एक हम छल डालते हैं, छल डालें तो, या पहले एक प्रकाश विचार के देख लो, तो आसानी से समझो। जैसे इसमें पानी है, मैंने इसमें लाइट उजारा, कुछ लाइट क्या होगा? वापस जाएगा। कुछ लाइट क्या होगा? जाना चाहिए इसको सीधा, पर सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ये जो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, यही क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। इसी के कारण जब बाल्टीन में हम कोई छड़ डालते हैं, पानी भरे बाल्टीन में छड़ डालते हैं, उसका आकृति क्या होता है? थोड़ा टेढ़ा हमको मालूम पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है? थोड़ा या तो इधर हो जाएगा या थोड़ा इधर हो जाएगा। तो ये क्या होता है? अपवर्तन। इसका इंग्लिश होता है रिफ्रैक्शन। जब भी साइज का इम्पैक्ट आए तो रिफ्रैक्शन पे टिक लगा। एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? कौन से प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी का।
और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का, रेड का, इंपॉर्टेंट है। और तरंग दैर्ध्य विचलन का जस्ट अपोजिट होता है। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि सबसे अधिक विचलन कौन से कलर का होगा, तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होगा और सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल का, क्योंकि तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे अधिक है। अच्छा, इंद्रधनुष के सबसे ऊपर कौन सा रंग होगा? रेड, लाल। और सबसे नीचे कौन सा होता है? बैंगनी। तो सबसे ऊपर जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, सबसे नीचे जो होगा उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। बीच में कौन सा होता है? ग्रीन पूछा जाता है। इंद्रधनुष के बीच का कलर कौन सा होता है? तो ग्रीन। और सात रंग होते हैं ये तो पता होगा। और इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के अपोजिट बनेगा, सूर्य के अपोजिट बनेगा और वो अर्धवृत्ताकार सेमी सर्किल में बनता है। ऐसा नहीं कि सीधा बन जाएगा, सेमी सर्किल बनेगा। देखे होंगे पर एग्जाम में दिक्कत हो जाता है। सेमी सर्किल बनेगा, अर्धवृत्ताकार। क्यों बनता है? क्योंकि धरती हमारा क्या है? सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा? यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है? ओ निगेटिव। देखो अगर अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव भी मिल जाएगा, यानी तो अधिकतर एग्जाम में आपको ओ बस याद रखो, आपका काम चल जाएगा। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा हो जाएगा? मीन्स ऐसा ब्लड जो किसी का भी ब्लड ले सकता है, वो कौन सा हो जाएगा? आपका ए बी। ए बी क्या है? एक और ये एक ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। वो सबसे ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। इसीलिए इसको सर्वगृही दाता कहा जाता है, सर्वगृही समूह कहा जाता है। मीन्स वो सबसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ। और ओ क्या है? सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये इंडिया में सबसे अधिक और ये यूरोप में सबसे। एस्फिग्नोमेनोमीटर मापता है, ये मापता है हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। पृष्ठ तनाव की इकाई होती है, पृष्ठ तनाव का इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का काम क्या होता है? वर्षा का बूंद गोल क्यों होता है? एक प्रश्न ये आता है, सरफेस टेंशन, यही हुआ पृष्ठ तनाव। या फिर पानी का बूंद गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव। इसके अंतर्गत कोई भी द्रव्य जो होता है न्यूनतम स्पेस लेने का मीन्स वो चाहता है कि सबसे कम स्पेस ले, उसी को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। कोई भी पदार्थ जब गोल फॉर्म हो, सर्कल फॉर्म हो, वो सबसे कम एरिया कवर करता है, ये भी याद रखना। जब वो गोल फॉर्म में हो सबसे कम एरिया वो कवर करता है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अभियंता उद्योगपति का नाम बताइए। अभियंता उद्योगपति देखिए साइंटिस्ट दिया ही नहीं, ये कौन है? अल्फ्रेड ने, अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के दिन अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस पर या फिर जो भी हो इन्हीं के नाम से वो दिया जाता है नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज 1901 से दिया जाता है, 1901 से। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला तो 1913 ईस्वी में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, 1913 ईस्वी। दिया कब जाता है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 10 दिसंबर उस दिन हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट। किस दिन के प्रतिरोध, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? वो होता है टीबी के लिए या यक्षमा उसको कहा जाता है, के लिए BCG का टीका दिया जाता है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैं BCG का फुल फॉर्म बताया था आपको, इसमें जी का मतलब बता रहे हैं, जी का अर्थ क्या होगा। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की परिकल्पना किसने की? लघु गणक लॉग जो देखते होंगे, लॉग फोर का वैल्यू निकालो, ये क्या गया था? जॉन नेपियर के द्वारा, जॉन नेपियर। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? हेनरी। ये प्रश्न है, कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो इसमें वैसे आंसर दे देते हैं स्कर्वी एसिड। स्कर्वी एसिड जो होता है विटामिन सी का कॉम्प्लेक्स होता है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स कौन कौन से आते हैं। काफी इसका आता है टोटल एक कॉम्प्लेक्स विटामिन बी के, जिसमें आपको कुछ का नाम याद रखना है, अधिक का नाम नहीं जानना है आपको। जिसमें कि पहला तो B1 होता है, B1 का क्या होता है? थायमीन। फिर आता है B2 का होता है राइबोफ्लोविन। फिर B3 आता है, उसका होता है पेंटोथैनिन। उसके बाद आपको नहीं जाना है पेंटोथैनिन। और फिर B4 आता है, फिर B5, फिर B6, फिर B12 आ जाता है, ठीक ना? तो इतना है बस, आपको तीन ही याद रखना है। इसमें क्या होता है, मैंने थायमीन, राइबोफ्लोविन, लाइसिन और पेंटोथैनिन। ठीक
ठीक है ना, ये कम से कम 4 याद रख लो, काम चल जाएगा। और विटामिन सी का क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड। दिन के समय पौधे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, याद रखना दिन के समय। अगर रात के समय की बात करें तो रात में ये भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी के कारण रात के समय पौधे के नीचे, पेड़ पौधे के नीचे सोने की मनाही दी जाती है या सोने में, श्वसन लेने में दिक्कत होती है। हालांकि कुछ पौधे के बारे में कहा गया है कि वो रात को भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा है, तुलसी, पीपल का, और फिर नीम का पौधा, नीम का पेड़। ये तीनों ऐसे है जो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, तो वो हमेशा अपना खाना बना देता है। सोल्डर मिश्र धातु, सोल्डर मिश्र धातु है टीन और शीशा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। सोल्डर मीन्स विभिन्न सामग्रियों को जोड़ने के लिए रेडियो मैकेनिक या इनके द्वारा यूज किया जाता है, वही होता है सोल्डर। ये किसका मिश्र धातु होता है, टीन और शीशा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर से नहीं पर एक प्रश्न आता है कि पहाड़ी इलाकों में पानी कम टेम्परेचर पे उबलने लगता है, ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वायु का जो दाब होता है वो कम होता है, बस आपको ऐसे याद रखना है। जब भी ऊंचे पहाड़ियों की बात करें, जैसे कि अगर वायुयान में कोई जा रहा है, उसका जो पेन होगा, पेन लिप पेन, वो क्या होगा, वोमिट हो जाएगा, मीन्स उसका इंक बाहर आ जाएगा, उसका भी रीजन क्या होगा, वायु दाब का कम होगा। या फिर एक और प्रश्न, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्हें एक विशेष प्रकार का कपड़ा दिया जाता है पहनने के लिए, तो उन्हें ऐसा क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं पहनेंगे तो क्या होगा, उनका भी ऊपर में ब्लड प्रेशर काफी कम है, मीन्स ब्लड प्रेशर नहीं, वायु दाब काफी कम है, हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है काफी बढ़ जाएगा और उसका नस फट जाएगा, इसीलिए एक विशेष प्रकार का उसे कपड़ा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अक्रिय गैस है, इसमें से अक्रिय गैस कौन सा था, तो आर्गन, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे क्या है, अक्रिय गैस है, याद रखना है आपको, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अक्रिय गैस क्यों है, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स वो किसी से साझा नहीं करते, इसीलिए इसे अक्रिय गैस कहा जाता है। नाम से क्लियर है, अक्रिया, इनको किसी से क्रिया नहीं करेगा, इनर्ट गैस वैसे कहा जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि पता है कि सर से मीन्स सूरज से क्या होता है, अत्यधिक परावैगनी किरण आती है, जिससे ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत का फॉर्मूला जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चलो गलत था ये, वैसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होता है ओजोन परत का फॉर्मूला, ओजोन लेयर। मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होती है, हमारे शरीर में रुधिर का मतलब हुआ रेड ब्लड सेल की बात किया जा रहा है यहाँ पे। रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, वो बनता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अगर आप तीनों सीरीज से पहले वाले देखे होंगे तो आपको इसमें काफी आसान लग रहा होगा, बहुत सारे कलर्स मिलते जुलते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि इसके मार्गदर्शन में उत्पन्न होने वाले प्रासरब्ध तरंग द्वारा पता किया जाता है, मीन्स चमगादड़ क्या होता है, अपने में से वो प्रासरब्ध तरंग छोड़ता है, याद रखना, अपने पंख से प्रासरब्ध तरंग छोड़ता है और फिर उसका जो मौत होता है उसमें एक विशेष प्रकार का मीन्स ऑब्जेक्ट लगा होगा या नेचुरल है वो, तो वो ऑब्जेक्ट छोड़ा, पंख से छोड़ा जाता है और फिर किसी वस्तु से टकराने के बाद वो प्रासरब्ध तरंग जो है इसके मुख के पास वापस आता है और वो समझ जाता है कि कोई सामान है, ठीक है ना। और कभी ऐसा प्रश्न आए कि प्रासरब्ध तरंग चमगादड़ किसके द्वारा छोड़ता है, तो वो अपने पंख से छोड़ता है, ऐसा नहीं कि मुंह से छोड़ता, पंख से छोड़ता। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, गर्भाशय में होता है आरेखित कोष। सेस्टेडीन इसकी औषधि है, बुढ़ापा रोकने के लिए जो मेडिसिन है उसे कहा जाता है सिस्टेडी। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाए, उसके लिए करते हैं अवतल लेंस का। देखो एक प्रश्न से रिलेटेड, सोलर कुकर जिसे हम धूप में रखे खाना बना सकते हैं, सोलर कुकर, तो उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का। क्योंकि इसका आंसर ये क्वेश्चन हुआ, अवतल लेंस क्या करता है, सन के लाइट को केंद्रित करके उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग हम सोलर सेल में करते हैं। और साथ ही कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट हुआ, जैसे कि अगर दंत चिकित्सक कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का, जैसे कि नाई के पास कौन सा लेंस होगा, तो अवतल लेंस आसानी से ठीक कर पाओ। इस फसल को अधिकतम पानी अपेक्षित, कौन से फसल को, मक्का,
मकई जिसे कहते हैं। और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? वो होता है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रवाहित होता है? यह है विटामिन। विटामिन याद रखना, विटामिन हमारे शरीर में एनर्जी नहीं देता, एनर्जी नहीं देता, एनर्जी के बिना कुछ नहीं होता। भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है, भूकंप तरंगे मापी जाती है सिस्मोग्राफ से, और उस पैमाने को क्या कहा जाता है? जैसे हम लंबाई मापते हैं मीटर में, राइट, वजन मापते हैं केजी में, तो भूकंप किस में मापते हैं? रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाने पर इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और रिएक्टर पैमाने में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो सर पता हो आप लोगों को भी। जैसे मान लो 7 रिएक्टर का मान लो भूकंप आया, ठीक ना, और फिर 8 रिएक्टर का भूकंप आया, तो ऐसा नहीं कि बस एक रिएक्टर घिसक गया है, इसका वैल्यू बहुत होता है। 7 रिएक्टर में जितना हार्म हुआ उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे मतलब उसका 10 गुना झटका होता है, तब 8 रिएक्टर होता है। हर रिएक्टर एक मतलब पहले वाले का 10 गुना होता है। तो कभी अगर आप सुनते होंगे, जैसे मैं एक सही घटना बता रहा हूँ, 2018 या 2017 का भूकंप आया था, तो उसमें शायद 6.5 या 6.8 का भूकंप आया था, तो व्हाट्सएप या फेसबुक वायरल हो रहा था कि 13 रिएक्टर का भूकंप आएगा, 13 वही 16 रिएक्टर का, ऐसा संभव नहीं है। अगर 7, 8, 9 तक चला गया ना तो धरती तबाह हो जाएगी, 9, 10 तक भी पहुंच गया तो, और ये 16, 13, कोई 24 लिखे जा रहा है, तो समझोगे तब ऐसी गलती नहीं कर पाओगे, आप समझ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? मीन्स अगर आप गंदा पानी पियोगे तो कौन सी समस्या हो सकती है? टाइफाइड। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जीवाणु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? कोई भी जो मौसम चेंज होगा या कुछ भी होगा वो क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल जिसे कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। और वायुयान किस पे उड़ता है? वायुयान किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल, समताप मंडल। बादल भी किस पे होता है? समताप मंडल, ये समताप मंडल में उड़ता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु ले जाए, पीला कलर में अगर नीला वस्तु ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीला ब्राउन कलर। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? देखो, सूर्य से पृथ्वी तक लाइट आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, हो सकता है याद करने में दिक्कत हो, 500 सेकंड इसी को कहा जाता है, जो याद रह जाए रख लेना 500 सेकंड। और मून से चंद्रमा से धरती पर लाइट आने में 2.4 मिनट लगता है, ये भी याद रख। और एक वैसे पूछा नहीं जाएगा पर समझ, हमारे सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? स्टार कौन सा है? सूर्य। सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, वहां से लाइट आने में कितना टाइम लगेगा? वहां से टाइम आने में लगता है 4.2 ईयर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है 4.2 ईयर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा है पृथ्वी। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और इसका जो सैटेलाइट है सबसे बड़ा वो है गैनानिक, और बृहस्पति के पास सबसे अधिक सैटेलाइट है, सबसे अधिक सैटेलाइट है 63। और एक ये सूर्य के क्रम में 5वां ग्रह होगा, और आउटर प्लैनेट में मीन्स 4 होते हैं इनर, 4 होते हैं आउटर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट में सबसे पहले स्थान, आउटर प्लैनेट में सबसे पहले स्थान पे, और ये गैस और धूलकण का बना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम पृथ्वी की सतह पे, जैसे पृथ्वी हुआ इसकी सतह पे हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या जुपिटर पे खड़े हो पाएंगे? नहीं, जुपिटर गैस का बना हुआ है, उसमें हम खड़े नहीं हो पाएंगे, उस पर खड़े होंगे पता नहीं कहाँ तक चले जाएंगे, सेंटर तक चले जाएंगे, फिर सेंटर से इधर हो जाएंगे, घूमते रहेंगे, वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे, इसीलिए वहां पे लाइव एग्जिस्ट करना क्या है मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारा, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस रोग के शिकार हो जाते हैं? उसे होता है सिरोसिस। सिरोसिस। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है आंख। आंख प्रभावित होता है। टाइफाइड होता क्यों? प्रदूषित पानी पीने से। अभी हम पढ़े थे बिना साल्क वाली मछली कौन सी? कैटफिश। कैटफिश। ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? ध्वनि की गति अधिकतम होती है इस्पात। इस्पात। सबसे कम निर्वात। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगी, याद रखें। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य? राजस्थान। राजस्थान। वैसे राजस्थान में एक खेतरी काफी इंपोर्टेंट है,
तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, जो कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। और एक थार मरुस्थल, जो इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो भी राजस्थान। दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा। सहारा। एक प्रश्न और कुछ दिन पहले नजर आया था मुझे, प्रश्न ये था कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, वो भी क्या होगा? सहारा ही होगा। और सबसे ठंडा जगह? बरखोया। कॉफी का सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? चाय में पाया जाता है थीम। थीम हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाएगा? हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापा जाता है, अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता। एक सोर्स प्रोग्राम, कंप्यूटर का प्रश्न हुआ ये, एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? यह उच्च स्तरीय भाषा में लिखते हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण कर, जैसे कंपाइलर होता है ना, वैसे ही असेंबलर और कंपाइलर का नाम सुनते होते हैं। तो एक होता है असेंबलर, जो सिंपल भाषा को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, होता है कंपाइलर, मशीनी लैंग्वेज को हमारी भाषा में कन्वर्ट करे। तो एक सोर्स क्या है? ये भी एक उच्च स्तरीय भाषा को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये था इस वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा आप लोगों को, और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कीजिए। अगर नहीं पसंद आ रहा जरूर डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।